नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। आज हमारे साथ आश्रम आने वाली वेब सीरीज सीजन 3 की स्टारकास्ट मौजूद है और हमारे साथ बने हुए हैं मुख्य किरदार चंदन जी, जो आश्रम सीजन में हमेशा मुख्य भूमिका निभाते रहे। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। जी बताइए, क्या मसाला लेकर आ रहे हैं सीजन में? मसाला ये है, अब नया खाना परोस रहे हैं। मसाले तो वही हैं, लेकिन इस बार और तीखा होने वाला है मामला। बताइए तो किस बेस पे क्या कुछ अलग दिखाने को देगा? अलग ये तो आपको शो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो फिर ऑडियंस के लिए कुछ बचेगा नहीं। बट इस बार ज़्यादा तीखा और बहुत मसालेदार होने वाला है मामला। केमिस्ट्री बताइए बॉबी देओल के साथ, आपकी केमिस्ट्री जो शूटिंग के दौरान रही है और वेब सीरीज़ के दौरान भी रही है। केमिस्ट्री हमारी काफ़ी बढ़िया रही, क्योंकि हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं शो में वैसी केमिस्ट्री हमारे ऑफ स्क्रीन भी है। बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, छोटे भाई की तरह, और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। प्रकाश झा जी के साथ बताइए कैसा रहता है आपके उनके साथ काम करने का? प्रकाश जी बहुत ही माने हुए हमारे देश के उत्तम डायरेक्टर हैं, और हर अभिनेता चाहता है कि उनके साथ एक बार काम करें। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो मुझे भी मौका मिला, वेरी हैप्पी कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी जी जी, तो आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट हैं प्रकाश झा जी के साथ के अलावा और कोई प्रोजेक्ट है? अभी तो आश्रम 3 आ रहा है और फिर आश्रम 4 आएगा शायद, और एक शो कर रहा हूँ मैं अमेज़ॉन पे, शहर लखौट करके, जिसके डायरेक्टर हैं नवदीप सिंह। अच्छा अच्छा, दिल्ली से जुड़ी आपकी मेमोरीज़ हैं जो वो हमारे साथ शेयर करें? दिल्ली से तो बहुत मेमोरीज रही हैं मेरी, करोल बाग से हूँ मैं, और पढ़ाई मैंने की जाकिर हुसैन से, और तो इन्हीं गली में घुमा हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ। नई सड़क पर किताबें खरीदने जाता था। अच्छा, और ओडियन प्लाजा में फिल्में देखना, और कितना बदलाव, पालिका बाजार से शॉपिंग। हाँ, कितना बदलाव देखते हैं उस समय। वो दिल्ली वैसा रहा नहीं जैसे मैं तो ये सब पहचान में ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ, काफ़ी, क्योंकि जब मैंने दिल्ली देखी थी वो अलग थी। अभी तो मेट्रो, ये वो, उबर, ओला, और पोल्यूशन बहुत कुछ हो गया, काफ़ी कुछ बदलाव हो चुके हैं, गर्मियाँ बदल गई हैं। आश्रम का जो मुद्दा है बाबाओं से, तो आपको कभी झांसा मिला हो किसी बाबा से? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कुछ, मैं तो नहीं, मेरा किसी के साथ पाला पड़ा नहीं ऐसा। किसी ने आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की और आपने ढच्चे की पकड़ लिया? नहीं नहीं, ऐसा कभी लकीली हुआ नहीं कभी। बचपन में तो ऐसा कई बार हम होते हैं कि कुछ ऐसा तंत्र सा आ जाएगा कि बाबा हमें 2 मिनट में पास करा देंगे। हाँ, वो सब सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लकीली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब आपका ये सीज़न आ रहा है बता दीजिए दर्शकों? 3 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, आप देखिएगा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अगले फ्राइडे। और एक अपना फेमस डायलॉग बता दीजिए, सुना दीजिए। एक रूप महास्वरूप जपना, एक बार जो आश्रम आ गया ना, यूटर्न तो ना है कोई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस वेब सीरीज सीजन 3 के लिए। ये हमारे साथ थे चंदन जी, जो मुख्य भूमिका में नजर आएंगे आश्रम 3 में। मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया।